फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन के भाई की कंपनी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। धोखाधड़ी का मामला इसलिए दर्ज किया गया है कि ये बात सामने आ रही है कि इस कंपनी ने मजदूरों के पैसे डुबो दिए हैं। दरअसल पोलो ग्राउंड के समीप इपका लेबोरेटरी है, जो कि अमिताभ बच्चन के भाई अजिताभ बच्चन की कंपनी थी। फिलहाल इस कंपनी को बेच दिया गया है। वहीं ट्रेड यूनियन द्वारा कोर्ट में ये अपील की गई थी कि कंपनी के मजदूरों के 20 लाख रुपए नहीं दिए गए हैं, जिस पर कोर्ट द्वारा बाणगंगा पुलिस को दिशा निर्देश दिए गए थे और ये कहा गया था कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। पुलिस द्वारा ये बताया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस द्वारा इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि कितनी राशि बकाया है, और जो राशि बकाया है ये राशि उस समय की तो नहीं है जब इस कंपनी के मालिक अजिताभ बच्चन थे। कोर्ट के आदेश के बाद फिल्म कलाकार अमिताभ बच्चन के भाई द्वारा बेची गई कंपनी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।